देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इस बीच इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज देश को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित किया है। देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। इस बीच इकोनॉमी को पटरी पर लाने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बड़े ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए हैं। कोविड-19 के कारण जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में फिर ये तेज रफ्तार में दौड़ेगी। बाइट गवर्नर वही आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए रिजर्व रेपो रेट में 0.20% की कटौती कर दी है। अब ये 30.75% हो गई है। शशिकांत दास ने कहा कि नकदी संकट को दूर करने के लिए बैंक की तरफ से मार्केट में 50,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया जाएगा, ताकि नकदी में कमी ना आए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बैंक की तरफ से कर्ज मिलने से जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। वही नाबार्ड, एनएचबी, एनबीएफसी समेत अन्य क्षेत्रों में भी 50,000 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त मदद की जाएगी। नाउ इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई थॉट इट वाज नेसेसरी दैट आई स्पीक टू द वाइडर ऑडियंस एंड कन्वे द रिजॉल्व ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर अप्रोच एंड हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुडे। आई प्रपोज टू मेक सर्टन अनाउंसमेंट्स एंड द स्टेटमेंट इज अ बिट लॉन्ग एज आई सेड लास्ट टाइम because I have tried to make it as self-explanatory as possible and so that, you know, there is adequate clarity and since we are not able to hold a press conference, the meaning and the details are conveyed to the maximum extent possible. So as I just said, everywhere, as also in India, the mission is to do whatever it takes to prevent the epidemiological curve from steepening. Any address at Kingsley Hall, London, in October 1931, and I quote Mahatma Gandhi: "In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists." Before I begin, I wish to place on record our gratitude to all the functionaries and personnel in the government, the private sector, banks and other financial institutions. Corona के कारण भारत की जीडीपी 1.9% की रफ्तार से बढ़ेगी। यह G20 देशों में सबसे बेहतर है। दुनिया में $9 trillion नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 चला जाएगा तो भारत की जीडीपी एक बार फिर 7% से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी। संकट की घड़ी में भी कृषि क्षेत्र टिकाऊ है। देश में बफर स्टॉक है। इस साल अच्छी बारिश होने का अनुमान है। शक्तिदास इन्होंने कहा कि मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट आई थी। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा $476 अरब का है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, जिससे फायदा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 27 मार्च को भी आरबीआई गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने रेपो रेट 0.7% की भारी कटौती का ऐलान किया था। अब की बार भी रिजर्व रेपो रेट में 25% कटौती हुई है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।